बस 15 मिनट बाद वो निकल जाएंगे। चले अब जाने लग गए सच में। अब मन और ज्यादा भाव करे घर में। मॉर्निंग सुप्रभात, आप सभी को मेरा प्रणाम है और छोटे को जी भोरी आशीर्वाद। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। मैं हूँ उत्तराखंड देहरादून से, मेरी ब्लॉगिंग हो रही है मॉर्निंग के 6 बजे से। आज मैं जल्दी उठ गई 6 बजे क्योंकि आज मेरे पति देव जी जा रहे हैं, तो बस वो तो तैयार भी हो गए, मैं अभी आई मुँह हाथ धो के जस्ट। तो मैंने सोचा चलो अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। फिलहाल अभी मैं बाहर नहीं गई, बस बाहर जा रही हूँ, थोड़ा चाय साई का देखते हैं, फिर मिलती रहती हूँ आप, तो मिलती रहूँगी आपसे बीच में, ठीक है। तो मेरे पति देव जी भी आ गए हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चा। जा रहे हैं। जाना पड़ेगा ना, ड्यूटी ना। बस चल जाऊँगा बस, ठीक है। ठीक है बेटे, वो जल्दी 6 महीने में कब परिवर्तित हो जाते पता नहीं चलता है ना। आते टाइम दिन कटते नहीं कटते, और जब ये छुट्टियों के दिन रहते हैं ये ऐसे फुर करके उठ जाते हैं, पता ही नहीं चलता भाई कैसे फुर। चलो चलो, पता नहीं कितने टाइम बाद मैं मॉर्निंग की धूप देख रही हूँ। देखना तो मैं सुबह सुबह ऐसे ही छत पे आई थी, अच्छा हो रखा है सुबह सुबह का मौसम, ठंडा सा लग रहा। चलो नीचे व्यू देखना कितना प्यारा लग रहा। तो पंकज आया है अपने दोस्त से मिलने, और आज पंकज भी उन्हीं के साथ। गुड मॉर्निंग बच गंदे लड़के। तो कुल मिला के 15 मिनट रह गए हैं, बस 15 मिनट बाद वो निकल जाएंगे। बैग तैयार से आ रहे, रात भर से हम पैकिंग कर रहे थे, तब उन्हें याद नहीं आया, और अब जाते टाइम उन्हें याद आया कि मेरा स्लीपिंग बैग भी है। कहाँ ढूंढ गया पता नहीं, कहाँ रखा होगा क्या। ये था पहले से कौन कर जाने दे मानो हो तो किसो 3 बजे का फिर दवा करे घर होने जो नहीं फिर कौन जो हाल को हूँ। बहुत भारी है ये भी, सो जा। मुझको ही देखे चोर न जैसे हाथ दिलों की, thank you।
के चले मैंने सोचा कि अंदर ही है, मैंने सोचा अंदर हो तो बाहर चले। बेचैनी से होती है ना वैसा वाला होने लग गया। मैंने काफ़ी सोचा था इस बार कि मैं जाते हुए बिल्कुल रोऊंगी उनके सामने, खुशी खुशी विदा करूंगी, लेकिन पता नहीं क्यों जाते जाते मेरा मन इतना भर भर के आ जाता है, इतना भर भर के जब फाइनली उनको गले लगने का मन टाइम आता है तो फिर मैं रो देती हूँ, रो मतलब कंट्रोल ही नहीं कर पाती। पता नहीं कैसा टाइम होता है ये, लेकिन बहुत गंदा लगता है इस टाइम। मैं तो ये सोचती हूँ पता नहीं मेरा मन कब ऐसा होगा कि मैं उन्हें खुशी खुशी बेच पाऊँ। काजू का तो काम शुरू हो गया।
मैं पहले से ही ऐसी हूँ, पता नहीं क्यों। एक बार तो हम पिज्जा खाते खाते रोने लगे, तब तो ये मतलब छुट्टी चले गए थे ऐसे ही, पता नहीं बर्गर लाए थे भैया शाम को शायद, मैं पंकज भैया सासू माँ काजू सभी थे, खाते खाते रोने लगे। मैं बर्गर भी खा रही रोए भी जा रही, साथ में काजू भी रोने लगी, दोनों इतना जोर जोर से रोने लग गए पता नहीं क्यों। अब तो कम से कम ये होता है कि अब मतलब आज जाते हुए ही ज़्यादा बुरा लगता है, बाकी आदत डाल लिया खुद को मतलब से ना, पर जाते हुए भी मतलब बहुत मुश्किल होता है। पता नहीं मैं तो ये सोचती हूँ कब वो दिन आएगा जब मैं उन्हें खुशी खुशी भेज पाऊँ कि हाँ। फिलहाल काजू की तो सफाई सफाई होने लगी, मैं भी देखती हूँ नाश्ते नुश्ते का क्या सीन है। अगली छुट्टी का इंतजार रहेगा मुझे तो, रहेगा मेरे साथ मेरे व्यूवर्स को भी, है ना। तो चलो देखते हैं अभी क्या क्या होता है, पता नहीं अब कितने इंतजार बाद हम मिलेंगे मेरे को भी नहीं पता। बोल के तो गए जल्दी आएंगे, वो तो हर बारी बोल के जाते। खैर तो मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी, भिंडी मैंने धो दी है और इन्हें मैं कपड़े से पोंछ के रख रही हूँ। पहले भिंडी काट लेती हूँ फटाफट से। सासू माँ जा रही है दूध लेने, आ गए सासू माँ दूध लेके। सारे तो दूध तो रख दिया गरम करने, बस अब फटाफट भिंडी काटती हूँ। काजू का झाड़ू लगना भी आधा आधा लग चुका है। भिंडी मैंने अच्छे से साफ कर लिया और इनके आगे पीछे जो होते हैं वो भी काट दिए, बस अब जल्दी से इन्हें फट से काट दूंगी। प्याज छील के रख दिया, बस दूध भी गर्म हो चुका है। तो ये बन गई मेरी करारी सब्जी। तो सब्जी मेरी डन हो चुकी है, मैंने साइड रख दिया, पक चुकी है, तवा चढ़ा दिया और आटा गूंद के रखा है। ये हमारे लिए है और ये सासू माँ के लिए, सासू माँ खाते हैं मिक्स आटे की रोटी। तो चलो बनाते हैं फिर मिलते हैं। नमस्ते भारत तालु की मैं वही बोल रही हूँ, सुन नहीं रही। तो जाते हुए मैंने पंकज को बोला था कि जब मेरे पतिदेव बस में बैठेंगे तो उनके एक वीडियो के लिए मुझे भेज देना, और पंकज ने भेज दी थी। दोस्तों गया हमारा भैया जी, हैप्पी जर्नी पतिदेव जी, अब इंतजार रहेगा आपकी छुट्टी आने का, जल्दी आना, आई मिस यू, टाटा।